आजकल पोस्ट कोविड एक चरण बन गया है फिल्मों को डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज करने का। उसी ट्रेंड को बढ़ाते हुए आई है जियो सिनेमा में शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म ब्लडी डैडी। कैसी है ये फिल्म चले जानते हैं ब्लडी डैडी के रिव्यू टाइम के साथ। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ब्लडी डैडी एक मसाला एक्शन मूवी है जिसकी कहानी है एक नार्कोटिक्स ऑफिसर सुमेर की, जिससे उनका ड्रग छुड़वाने के लिए एक ड्रग लॉर्ड उसके बेटे को किडनैप करवा लेता है। तो क्या अब सुमेर उसके बेटे को छुड़ा पाएगा या उसका प्लान कुछ और ही है, यही है बेसिक प्लॉट इस फिल्म का। अब ये प्लॉट जो ऑफिशियल एडेप्टेशन है 2011 की फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट का, जिसे तमिल में रिमेक किया गया था एस थुंगा वनम, जहाँ लीड में थे कमल हसन। तो अब कमल हसन से शाहिद कपूर तक ले गए हैं डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जहाँ वो इनफ एक्शन और ट्विस्ट पैक करते हैं जो इसे एक अच्छा वन टाइम वॉच बनाती है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि शाहिद कपूर किसी भी हालत में इतने बड़े बच्चे का बाप नहीं लगता, तो मुझे शायद मिसकास्ट लगे इस फिल्म में। आइदर बच्चे को छोटा होना चाहिए था या फिर किसी सीनियर एक्टर को इस फिल्म में होना चाहिए था। एक बार तो खुद शाहिद को बोलना पड़ता है कि बाप हूँ मैं तेरा। एक्शन शाहिद अच्छा करते हैं, एक्टर वो अच्छे ही हैं, तो जितने भी इमोटिंग पार्ट्स हैं उनमें शाइन करते हैं। पर अली की तारीफ करनी पड़ी कि सोचने का टाइम ही नहीं देते, कब शुरू हुई कब खत्म पता ही नहीं चलता। फिल्म कोविड टाइम में सेट है तो बहुत सारे मास्क रैपिड एंटीजन टेस्ट देखने को मिलते हैं जो इसे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बनाती है। वो भयानक दिन को याद दिलाती है, खासकर सुनसान रास्ते जब देखने मिलता है, जो कोविड में काफी देखा है सबने। फिर होटल के अंदर सब लोग पार्टी कर रहे हैं, बादशाह भी गाना गा रहा है और आपको लगता है ऐसा भी होता है क्या, यहाँ कोविड यहाँ नहीं। फिल्म में क्या बंदा बचेगा या नहीं, इसका बिल्डअप अली अच्छी तरह करते हैं और साथ में बादशाह भाई का गाना एक्शन भी है, तो ये सारी लूपहोल्स आप इग्नोर कर दोगे। ऑब्वियसली फिल्म का लुक वाइज इंस्पिरेशन किनी रीव्स के प्रचलित एक्शन फ्रेंचाइज जॉन विक से लगता है, पूरा लाल पीला नीला नॉयर फील के साथ। सिनेमाटोग्राफर मार्सिन लस्कविक की सिनेमाटोग्राफ एक अलग मजा देती है। अली ने सपोर्टिंग कास्ट में काफी ब्रिलियंट एक्टर्स लिए हैं जो शाहिद को अच्छा सपोर्ट करते हैं। रॉनी रॉय एक अलग टाइप का विलन बने हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भड़के हैं उनमें। अंडररेटेड राजीव खंडेलवाल नेगेटिव रोल में जचे हैं। वासीपुर फेम जीशान कादरी बहुत दिनों के बाद दिखे हैं और काम अच्छा है उनका। डायना पंटी को इतने इंपैक्टफुल सीन्स नहीं मिलते जितने इन एक्टर्स को मिले हैं शाइन करने के लिए। एक और चीज जो फिल्म को वॉचेबल बनाती है वो है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर, जिसकी इर्द गिर्द अली स्टाइल और कूलनेस को भरते हैं, जिसमें स्लो वॉच एंड वॉक्स शामिल है। मसाला अर्ली का फोर्टे है, उनको मालूम है कितना डालना है कितना नहीं। हालांकि कहानी के हिसाब से वाटर थिन प्लॉट है, पर अली अपने स्टोरी टेलिंग से इसे एक लार्जली इंजॉयबल वन टाइम वॉच बनाते हैं। किसी और डायरेक्टर के हाथ में फिल्म डूब जाती और ग्लैरिंग प्लॉट होल दिख जाते। ब्लडी डैडी को मैं दे रहा हूँ 3 out of 5। ऐसा कुछ दुनिया नहीं बदलने वाली ये फिल्म, ना आपको सोचने पे मजबूर करेगी, पर एक क्लेवरली डायरेक्टेड फिल्म है जो मसाला कोल्ड ड्रिंक की तरह अंदर जाएगी पर पेट नहीं भराएगी, प्लस ब्लडी वन टाइम मजा देगी जैसे कि ये वन टाइम वॉच है। हमारा पेट कब भरोगे? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कैसी लगी ये फिल्म। रीसेंट वीडियो जैसे एमसीयू एसएमसीयू रेफरेंसेस इन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वीडियो, स्कूप सीरीज और नेटफ्लिक्स का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी।